नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आया ही होगा कि हम अपनी आवाज को किस प्रकार से बजाएं। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको एक फ्लूट मान लीजिए, आप इसको यानी बांसुरी मान लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, और आपको इसको बजाना है। बजाने के लिए यानी कि कुल मिला के गायकी के लिए जब हम बात करते हैं कि एक तो हम सिर्फ गले से गाएं, एक हम डेप्थ यानी पेट से या फिर हमारे स्टमक से अगर हम इसको गाएं, पूरे बॉडी से हम इसको गाएं, तो अलग बात हो जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर सिर्फ आप गले से गाएंगे तो एक गाना दो गाना गाने के बाद में आपका गला बैठ जाएगा, चौक हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। और अगर आप पूरे बॉडी से उसको गाएंगे तो हमारे गले के ऊपर ताकत कम पड़ेगी, गला नहीं बैठेगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग लंबे समय तक गाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो पूरी बॉडी को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ही आप अगर गले गले से सिर्फ गाएंगे, ठीक है, अपन कहते हैं कि गला बनाइए, गला सिर्फ गला नहीं होता है, उसके अंदर हमारा जो ये पूरा बॉडी है वो शामिल होता है। ठीक है, अगर आप एक मान लीजिए कि थक जाते हैं तो आपका गला भी थक जाएगा, तो इसका डिपेंड पूरी बॉडी से यानी कनेक्ट उस पूरी बॉडी से रहता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कौन सी टेक्निक आपको फॉलो करनी है, आपको यहीं पर देखने को मिलेगा अंतर। उस चीज को आप फील करना, वही चीज आप अप्लाई करना। सबसे पहले मान लो मैं स्केल लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा जो स्केल है सी शार्प है यानी पहली काली, यहां से मैं बहुत आसानी से गा लेता हूं, लेकिन मैं यहां पे प्रैक्टिस करता हूं और जो मैं अभी आपको टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक को भी फॉलो करता हूं, तो इस वजह से मैं जरूरत पड़ती है तो मैं तीसरी काली से भी कंफर्टेबली गा के आ जाता हूं। ठीक है, तो उसके पीछे सबसे पहले देखिए, आप अपनी स्केल पकड़िए और आप स्केल को अभी आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको करना चाहिए, ये आपने जैसे मान लो कि इसमें सबसे पहले आप सुर लगाएंगे यानी आराम से सारे गा, कोमल लिया है मैंने, मा पा धनी सा सा नी द प म ग रे सा, ये आपने नॉर्मल आप इस प्रकार से करते हैं। अब आपने क्या करना है, यही सुरों को जब लगाना है तो आप थोड़ा सा अंतर देखिएगा, सा रे गा बॉडी है उसको यूज किया है। वापस देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, सारे गामा पदनी सा सानी दा पा मगरे सा, अच्छा लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक महसूस करना कि मैं सिर्फ गला और गले के ऊपर के पार्ट से इस आवाज को निकाल रहा हूं। और फिर मैं अंतर करता हूं, जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तो आपने देखिए क्या करना है, सा रे गा मा पा धनी सा सा नी धा पा मा गा मरे सा। तो इसमें क्या होगा कि जब आप ऐसे पूरी आवाज भर के लगाएंगे तो इसका साउंड भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, साउंड ज्यादा करेंगे इट मींस आपकी आवाज की गूंज बढ़ेगी, आपकी जो वॉइस है वो यानी जो गला है या आवाज है वो बजना शुरू होगा। पहले ये काम करें। अब इसी में देखिए, आप खींचिए आवाज को, अभी तो आपने भर के ली, अभी आप आवाज को खींचिए, ऐसा करेंगे तो आप जब ऐसा खींचेंगे तो आपको ये खांसी आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप गले को थोड़ा सा खींचेंगे और पूरी बॉडी को साथ में काम करेंगे, सा रे गा मा पा धनी सा
सिंपल ये मत करिए सारे गामा बदनी जानी आपने देखा है जो कव्वाली गाने वाले लोग होते हैं या आपने जो लोगों को देखा होगा कि जैसे जो थोड़ा सा खींच के गाते हैं प्रकार का करते हैं तो वो आवाज को खींचते हैं यानी कि उनकी एक वो हैबिट बनी हुई है ठीक है तो वो एक कव्वाली का पैटर्न है देरे ना 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 एक गाना है आप देखिए मैं आपको जैसे मान लो कि ये स्केल मेरा है मैं ऊंची स्केल से लेता हूं तीसरी काली से लेता हूं एक गाना आपने सुना होगा मुझे ध्यान आया इसी से हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया तो इस गाने को अगर देखिए मैं सिंपली अगर मान लो इसी स्केल से भी गाता हूं तो कैसे गाऊंगा और किस प्रकार से मुझे जब मैं इसको बजा के लूंगा या मुझे इसका फ्लेवर चेंज करना है रियाज के लिए तो फिर मैं देखो किस प्रकार से यूज करूंगा ये गाना मैं सिंपली किस प्रकार से गाऊंगा देखिए भर के गाता हूं या खींच के गाता हूं तो ये अभ्यास आपने करना है गाना नहीं गाना है लेकिन अभ्यास करना है धीरे धीरे वही आवाज है उसको देखिए मैं किस प्रकार से बजा रहा हूं इसके ऊपर ध्यान दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कोई भी गाना लीजिए आप सुर लीजिए अब क्या होगा कि यहां से जब आप तार सप्तक में आगे जाएंगे यानी मान लो कि आप ये कहेंगे कि यहां से मैं जब करता हूं तो मेरी आवाज फटती है तो जो आवाज फट रही है उसके ऊपर फोकस करिए ना अभी आप सारेगा आराम से जाइए आवाज को बजाने की कोशिश करिए सारेगा जाना है फिर अगले सुर पे जाना है
वापस फिर वापस आइए, यहाँ तक का अभ्यास करिए बिल्कुल स्लोली। इसमें अगर आ से नहीं आ रही है ओ ई ए इस प्रकार की कोई आवाज निकालिए ताकि आप उस आवाज को यहां पे मैच कर सके। चौक हो सकता है, धीरे धीरे आपने टच करके फिर वापस आना है, फिर वापस जाना है। होगा क्या कि इससे आपकी सांस भी भरेगी, तो आप थोड़ा सा सांस ऊपर खींची, फिर आप नीचे थोड़ा सा थोड़ी देर सुरों में नीचे घूम लीजिए, फिर आप सांस ली दीजिए एक दो लंबी लंबी, जल्दी जल्दी फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वापस जाइए। तो ये तो एक मेहनत है। सप्तक में सात तक चले जाइए। काम करें कि हम एक सुर और आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्योंकि हम यहां पर जो इस गाने को गा रहे हैं सारे गामा पा धा तक जा रहे हैं, धा से वापस नीचे आ रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे एक सुर और आगे बढ़ जाएंगे या एक सुर और आगे बढ़ जाएंगे, उसके लिए आप क्या करें कि एक सुर और यहां से करिए। कि आप जब यहां पर हैं गाना गाएंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि आप वहां तक जा रहे हैं, ठीक है। हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, मोहब्बत का जब भी इसको बजाइए। बस मेरा मकसद ये है आपको कि आप यहां पर आवाज निकालिए, शब्द जो है उसके ऊपर ताकत लगाइए, बजाइए। मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, तो साथी कोई भूला याद आया, याद दिया।
आपने करनी है, जाना है टच करके फिर आना है, जाना है टच करके। अब आप देखिए जहां मेरा स्केल यहां है, मैं यहां तक अगर इस एक्सरसाइज को 10 मिनट 15 मिनट भी कर लेता हूं और रेगुलर करता हूं, तो एक टाइम आएगा कि जब मुझे गाना गाने की बारी आएगी तो मैं गाना गा के आ जाऊंगा, क्योंकि गाना गाना एक अलग चीज है, रियाज करना एक अलग चीज है। तो अभ्यास करिए, अपने एक 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 जो सुर है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।